यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के शहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल विधायक चौधरी अमर सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मतलब मेरे जनपद में मुझे कहते हुए एकदम आपसे कोई संकोच नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ये बातें उच्च अधिकारियों को बता भी दी गई है, कोई संतुष्ट नहीं है कहा यहाँ जिले सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन को लेकर के, इनकी व्यवस्था को लेकर के। जब सब जान पाया तो मैं यहाँ को लोगों को सांत्वना देकर गया कि सवेरे मैं आता हूँ, फिर यहाँ अधिकारी आएंगे। डीएम साहब को मैंने कहा आप ही सवेरे आइए, देख लिए दुकान टूटी है, सामान टूटा है, लोगों का फर्नीचर टूटा है, लोगों का मोबाइल गायब हो गया था। तो उन्होंने कहा कल सवेरे हम लोग पहुंचेंगे, इतने टाइम तो 2 बज गया विधायक जी, और सवेरे इसकी जांच की जाएगी। तो फिर मैं सवेरे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, महाराज जी को मैंने फोन पर बात किया 7:30 बजे 8 बजे लगभग। तो फोन से बात होते होते नेटवर्क चला गया, कट गया, कुछ बातें उन जान पाए कुछ नहीं। 10 मिनट के बाद उनके प्रमुख सचिव श्री एसपी गोयल साहब का फोन मेरे पास आया। मैंने उनको अवगत कराया कि ऐसे घटना हो गई है। वो काफी मतलब उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके लिए थोड़ा तुरंत प्रमुख सचिव साहब को, गृह और डीजीपी साहब से बात करके मैं तुरंत इसको दिखवाता हूँ। और तब से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि जांच हो निष्पक्ष, और यहाँ जो गलत तरीके से पुलिस अधिकारियों ने इस तरह से वर्वरता से हमारे विधानसभा में सरकार को बदनाम करने के लिए कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाते हुए जो कारनामा किया है, मुझे शर्म आती है। भले आप पूछ रहे हैं कि मैं सत्ता में हूँ, लेकिन हर आदमी सत्ता का बैठा हुआ है। यहाँ सपोर्टर भी हैं, यहाँ सरकार के भी हैं, पार्टी के भी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन डकैती डालने आ रहा है, कौन लूटने आ रहा है, कौन मारने आ रहा है, किसी को थोड़ा बैठे हैं। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके प्रमुख सचिव जी से, अपने उच्च नेताओं से अवगत करा दिया है कि अगर जांच में पुलिस के अधिकारियों से खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी सरकार में आना पसंद नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सांसद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर नाखुश नजर आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक भी योगी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। एसपीएनएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।